हेलो रियन, वेलकम बैक। जनपैक में मल्टीपल वैकेंसी निकली हुई है, ये मल्टीपल लोकेशन पे और इंटरनेशनल वैकेंसी भी यहाँ पे आई हुई है। क्या है, कौन सा टाइटल है, कहाँ पे लोकेशन मिल रही है और कैसे इसको अप्लाई करेंगे, चलिए से बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मल्टीपल जॉब टाइटल की बात करें तो सबसे पहले जॉब निकली हुई है प्रोसेस डेवलपर की, जो कि गुड़गांव के लिए है और इसकी जो अपडेट हुई है वो 23 अगस्त। कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट की, कितनी पोस्ट यहाँ पे आई हुई है। देखिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की है, मैनेजर की है, सीनियर मैनेजर की पोस्ट निकली हुई है। ठीक, ये सब कहाँ पे है, कौन सी लोकेशन पे, गुड़गांव में है। ठीक, अब यहाँ बात कर लेते हैं इंटरनेशनल की, जैसे कि रोमानिया के भी जॉब निकली हुई है, यहाँ की रिकॉर्ड टू रिपोर्ट डोमेन ट्रेनर की है, यहाँ वैकेंसी निकली हुई है। अगर वहीं बात करें ARCM एक्सपर्ट की, यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। ठीक, अकाउंटेंट की है। ठीक, एड सेल क्वालिटी और ट्रेनिंग एनालिटिक की जॉब निकली हुई है, कस्टमर सर्विस कंसल्टेंट की जॉब यहाँ पे निकली हुई है। ठीक, ये सब पोस्ट कौन सी है, इंटरनेशनल पोस्ट है। हम इंडियन पोस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ मैनेजर की निकली हुई है, सर्विस नाउ डेवलपर की है यहाँ पे, जो कि इंडिया गुड़गांव में है। प्रोसेस एसोसिएटिव की, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस की, गुड़गांव में है। प्रोसेस एसोसिएटिव लाइफ इंश्योरेंस की पुणे में है। ठीक, प्रोसेस एसोसिएटिव की यहाँ पे जॉब है गुड़गांव में है। लीड कंसल्टेंट की जॉब निकली हुई है, ठीक, यहाँ पे जो की है नोएडा में। AM सोर्सिंग और प्रोक्यूरमेंट की जॉब निकली हुई है, जैसे कि मैनेजमेंट सपोर्ट के लिए, वो जो कि हैदराबाद में है। यहाँ पे PD की पोस्ट निकली हुई है, जो कि जयपुर में है। और बात करें यहाँ पे सीनियर प्रोसेस एसोसिएट की जॉब निकली हुई है, जो कि बैंगलोर में है। यहाँ पे 3 जॉब और निकली हुई है, जो कि लखनऊ में है। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसको कैसे अप्लाई करेंगे, उस पर देख लीजिए। हम आपको एक बता रहे हैं कैसे अप्लाई करेंगे, बाकी जो अप्लाई करेंगे सेम प्रोसेस होगा। ठीक, सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको प्रोसेस डेवलपर की अप्लाई करना, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ठीक, तो इनका एक पेज ओपन होकर आएगा। ठीक, पेज ओपन होकर आएगा तो यहाँ पे आप यूजर लॉगिन और लॉगिन के लिए, आप पहली बार अगर लॉगिन कर रहे हैं तो आपको आईडी बनानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे करेंगे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपके सामने पूरा यहाँ पे फॉर्म ओपन होकर आएगा। जैसे कि यहाँ पे पूछेगा आपसे यूजर नेम, पासवर्ड रखना, इंटर पासवर्ड, ईमेल। जैसे इसको इंटर करेंगे तो आप जैसे रजिस्टर करेंगे तो आपके पास, यानी कि मेल आईडी में आपके पास यूजर आईडी आ जाएगी। ठीक, यूजर नेम और पासवर्ड आपके पास आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आप जैसे ही आप फिल करेंगे, आप लॉगिन करने के बाद आप जैसे इसको रजिस्टर करेंगे, आपके पास मेल आईडी पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड पूरा क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप जैसे इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे तो आपके पास ओवरऑल पेज यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आप अपनी पूरी डिटेल भरेंगे, आपको पर्सनल डिटेल्स। ठीक, आपका पैन कार्ड है कि नहीं है, वो कहाँ से क्वालिफिकेशन की, क्या आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, ओवरऑल आप डिटेल भरेंगे तो आपका फॉर्म उसके बाद सबमिट करने के बाद आपके पास सबमिट हो जाएगा, आपके पास एक मेल आ जाएगा। ठीक, नाउ सेम बात करें डिफरेंट पोस्ट के लिए, वो कैसे करेंगे उस पर भी बात कर लेते हैं हम लोग। उस पर भी बात कर लेते हैं सबसे पहले। नाउ अभी मैंने बात की प्रोसेस डेवलपर की, बात की कि कैसे उसको अप्लाई करेंगे। सेम प्रोसेस ऑल सारी कैटेगरी के लिए भी है। ठीक, कैसे कैसे जो अप्लाई करेंगे सेम चीज उसी में भी है। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करें यहाँ पे, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होकर आएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास मेल आईडी में यूजर नेम और पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपका पेज आएगा, अपना पूरी डिटेल्स, एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन, अपनी पूरी आपका वर्क एक्सपीरियंस, आप सारी डिटेल डालेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक, तो आपके पास एक मेल आ जाएगा कि आपकी जो इस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये सबमिट हो चुका है, कन्फर्म हो चुका है। ठीक, तो यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट है मल्टीपल लोकेशन के लिए, और जो लोग आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, जो लोग जिनके पास एक्सपीरियंस है, मैनेजर बनना चाहते हैं, डेवलपर में जाना चाहते हैं, क्वालिटी लीड्स में जाना चाहते हैं, सेल्स में जाना चाहते हैं, ठीक, और कस्टमर सर्विस कंसल्टेंट में जाना चाहते हैं, तो वो इसमें अप्लाई कर दें। थैंक यू एवरीवन।